हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग लेटेस्ट गेम फीफा 20 के बारे में। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाए, आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप न्यू हैं सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको और भी ऐसे कंटेंट आगे मिलते रहे। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इस बार वो है जर्नी का दी एंड। यस यू आर राइट, जो जर्नी मोड हम लोग फीफा 19 में खेलते आ रहे थे एलेक्स हंटर के करियर में, जो हमने खेला है कंप्लीटली फीफा 20 में, उन्होंने उसको एंड कर दिया है। तो फीफा 20 में आपको जर्नी मोड नहीं आएगा, ऑल्सो आपको काफी सारे और चीजें आगे मिलेगी। फीफा के इस नए सीजन में आपको एक मेजर एडिशन दिखाई देगा विच इज वोल्टा स्ट्रीट फुटबॉल। यहां पर आप फीफा स्ट्रीट खेल सकते हैं, जो हम पुराने गेम्स देखते थे फीफा स्ट्रीट के, वैसा ही सिमिलर एक मोड इन्होंने यहाँ पे फीफा 20 में डाला है, जहां पे आप ऑफिशियल टीम्स को भी एक अलग अरीना में लाके आप खेल सकते हैं, जहां पे आप स्किल मूव्स कर सकते हैं, आप बॉल को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टेडियम में जो आपके वॉल्स होंगे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यू कैन फॉर्म डिफरेंट स्किल्स और आप गोल कर सकते हैं यहाँ पे। फीफा 20 का जो तीसरा बड़ा चेंज है वो है मैनेजर मोड। यस यू राइट, मैनेजर मोड में क्या होता है कि जब आप लोग कोई भी मैनेजर क्रिएट करते थे तो पहले उनको इतने अच्छे से आप कस्टमाइज नहीं कर पाते थे मैनेजर को, बट इस बार उन्होंने काफी सारे चेंजेस दिए हैं, जहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनका स्किन टोन, उनका अटायर, वो क्या पहनेंगे, उनके हेयर स्टाइल, उनके स्किन टोन्स के साथ में। ऑल्सो उसमें एक बड़ा चेंज ये भी हुआ है कि अब आप एक फीमेल मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो मैच के बाद जब प्लेयर्स ऑफ द पिच होंगे आप काफी सारे मीडिया क्वेश्चंस भी आंसर कर पाएंगे। जो फोर्थ मेजर चेंज यहां पे दिखाई दिया है फीफा 20 में वो है कंपोज फिनिशिंग का। अगर आप ध्यान देंगे फीफा 19 जिन्होंने भी खेला होगा उनको पता होगा कि वन ऑन वन जब आप कीपर्स के साथ में आप जब गोल करने जाते थे डी के अंदर पेनल्टी एरिया में, या आप गोल करेंगे वन ऑन वन कीपर के साथ में, तो आपको वहां पर काफी सारी डिफिकल्टीज पैदा होती थी। जैसे कि कभी कभी हमारा जो प्लेयर होता था वो गोल पोस्ट से थोड़ा बाहर की तरफ शूट करता था, बट फीफा 20 में उन्होंने काफी कंपोज फिनिशिंग दिया है, उनकी प्लेयर्स की एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है, जहां पे आपको अभी और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ये गेम, जहां पे आप वन ऑन वन कीपर और स्ट्राइकर के बारे में बात करेंगे या शूटर के बारे में बात करेंगे। जो फिफ्थ बड़ा चेंज आया है यहाँ पे वो है फीफा अल्टीमेट टीम में, जहां पे आप स्टेडियम टीफू क्रिएट करते थे। इस बार के एडिशन में आप काफी सारी चीजें और कस्टमाइज कर पाएंगे, जैसे कि आप स्टेडियम के कलर्स, स्टेडियम के लोगोस, ये सारी चीजें चेंज कर पाएंगे, जो कि आपको मैच के पहले और आप जब गोल स्कोर करेंगे तब आप देख पाएंगे मोमेंटम कैसे चल रहा है स्टेडियम में। उसके अलावा आप क्राउड को सेलिब्रेशन भी सेट कर सकते हैं कि आप गोल स्कोर करने के बाद में किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और क्राउड उसका रिएक्शन किस तरीके से देता है। सो गाइस, ये थे मेरे 5 मेजर चेंजेस और कंपैरिजन बिटवीन फीफा 19 एंड 20। ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गेम लेना चाहिए नहीं, सो मेरे हिसाब से आपको ये गेम डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज इसमें हमारा फीफा स्ट्रीट का जो रिबूट किया है उन्होंने बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे ये गेम। वोल्टा जो है एग्जैक्टली आपको उस तरीके की गेम प्ले देगा जहां पे आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। उसके अलावा अल्टीमेट टीम में इन्होंने और भी काफी सारी चीजें चेंज की गई है, जैसे कि प्लेयर रेटिंग्स वगैरह है। ऑल्सो जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यूवेंटस का लाइसेंस उनके पास नहीं है तो इसमें आपको प्लेयर्स भी नहीं मिलेंगे, सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ टीम का अभी तक राइट लिया है, जो पेस जो गेम है उन्होंने पूरे टीम का राइट्स लिया है। बस आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि फीफा 20 में यूवेंटस एड है कि नहीं, तो वो एडेड है, उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया है। उसके अलावा आप अगर देखना चाहेंगे तो हाँ, काफी सारे प्लेयर्स इसमें अभी भी बने हैं, जैसे कि रोनाल्डो है, ये सारे लोग आपको अभी भी इस गेम में मिलेंगे, बट इनका नाम चेंज हो गया है। प्लेयर्स के नाम सेम है, टीम का नाम चेंज हुआ है। उसके अलावा अल्टीमेट टीम में काफी सारे और नए चेंजेस आए हैं, सो प्लीज आप इस गेम को खेलिए। उसके अलावा इस गेम का डेमो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आपको ट्राई करना है सो आप इसका डेमो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है डेमो डाउनलोड करने का और खेलने का,
तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने इसका गेम प्ले फुटेज ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। गाइज मैं तो इस गेम को डेफिनेटली खेलने वाला हूँ, मैं फीफा 19 के ऊपर फीफा 20 को चूज कर रहा हूँ। ऑल्सो अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, द बेस्ट प्लेस टू बाय दिस गेम इज गेम्स द शॉप, क्योंकि मैंने भी वहीं से प्री ऑर्डर किया है। काफी सारे गेम्स वहां पे आपको, जब आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपको काफी सारे प्री ऑर्डर बोनसेस मिलते हैं। सो उसमें से एक प्री ऑर्डर बोनसेस है ये टी शर्ट, यस जो मैंने ये टी शर्ट पहनी है वो लोग इस गेम के प्री ऑर्डर बोनस के कंटेंट पे दे रहे हैं। उसके अलावा आपको कुछ पोस्टर्स भी मिलेंगे, दे आर ऑल्सो होस्टिंग अ मिडनाइट लॉन्च इन देयर मुंबई आउटलेट्स, जो उनके तीन मेजर आउटलेट्स हैं, विच इज हाई स्ट्रीट फीनिक्स मॉल लोअर परेल में जो है, इन्फिनिटी 2 मॉल मलाड वेस्ट, ओबरॉय मॉल गोरेगांव। यहाँ पे आप जाके मिडनाइट लॉन्च को भी अटेंड कर पाएंगे, आपको काफी सारे गुडीज मिलते रहेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा इवेंट है, आइए गेमिंग कम्युनिटी से कनेक्ट होइए और काफी सारे और भी वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज गिव मी अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, सो सबको पता चल पाए कि मेजर चेंजेस फीफा 19 से 20 में क्या है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चेंजेस या किसी और भी चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए सो प्लीज आप कमेंट में लिखते रहिए, ताकि मैं आपके लिए उस तरीके की वीडियो और भी बनाते रहूंगा। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।